to be very specific on this issue. जो ए पी एस एस बोर्ड का जो इशू है, इसमें आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ द मार्च 2020 वी हैव बीन टू CMO, चीफ मिनिस्टर को हमने मिला, तो उसमें वी हैव एडवाइज लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट्स अबाउट दिस स्कीम एंड CM एश्योरस दैट ही विल टेक नेसेसरी एक्शन ऑन दिस पार्ट. एंड वेरी नेक्स्ट आफ्टर टू डेज two member high power committee was constituted and with terms of reference inquiry committee ko ye kaha gaya taki kya kya ko inquiry karna hai. Certain reference was given, usme aap dekhiye two member high committee ka terms of reference number 4 mein clause 4 mein aapko dikhai milega ki ye likha hai ki to examine and fix the responsibilities for administrative lapses by all of the officers involved in the examination process and recommend suitable disciplinary action against the hearing officers and officials. तो इसमें क्लियर लिखा था कि मतलब टू मेंबर कमिटी जो है लैप्सेस को फाइंड आउट करना है, उसके बाद जिस किसने ये लैप्सेस किया उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर फिक्स किया जाए उसको भी वो इंक्वायरी करना है. उसमें एग्जाम प्रोसीजर में कैसे कैसे लैप्सेस हुआ, क्या क्या किसने क्या गलती किया, इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट में ही लिखा होगा. बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट इज नॉट अलोइंग अस टू एसेस टू दिस कमेटी रिपोर्ट. और आप CM चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज अनदर स्टेटमेंट मीडिया स्टेटमेंट देता है 3rd of March यहाँ पे ये आप लोग खुद देख लीजिए और अवेलेबल क्लिप भी अवेलेबल है. इसमें बोलता है कि APSS भी FESCO चीफ मिनिस्टर एश्योर्स एक्शन विद इन 28 days. ये 28 days उसका काउंटिंग भूल गया क्या? दिस इज माई क्वेश्चन, हैज ही फॉरगॉटन द काउंटिंग्स? 28 days कब खत्म होता है? मार्च 3rd of March देन 28 days कब खत्म होता है? दिस टू मेंबर हाई लेवल कमिटी इंक्वायरी कमिटी वॉज सपोज टू सबमिट द रिपोर्ट विद इन 21 days. टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्लियर है, उन लोगों को 21 days का अंदर में सबमिट करो बोला है एंड दे हैव सबमिटेड. उसमें CM कोर्ट बोला है विद इन 1 week आफ्टर द सबमिशन ऑफ दिस रिपोर्ट डिसिप्लिनरी एक्शन करना है, जो भी करना है करेगा. वेयर इज 21 days? वेयर इज 28 days? एक्शन कहाँ पे है? तो हम लोग जो है we are stick to this point. Why this government of Arunachal is hesitant to make this report public? ये क्वेश्चन को हम पूछ रहा है. अगर आप जो है टू मेंबर कमिटी का रिपोर्ट को पब्लिक करना नहीं चाहता है तो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट क्यों किया है? IOS हम लोग को दुनिया को IOS करने के लिए, हम लोग का यूथ को IOS करने के लिए कमिटी कॉन्स्टिट्यूट. SK जैन एट दैट सेम डे SK जैन वॉज सस्पेंडेड. SK जैन जो हेडन द ये फॉर्मर ये था आपका सेक्रेटरी कॉम कंट्रोलर ऑफ द एग्जाम था, तो इसको सस्पेंड किया है आपका ये ऑल इंडिया सर्विसेज डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1969 का अंडर में उसको सस्पेंड किया है. सस्पेंशन इज नॉट ए बिग थिंग. सस्पेंड करने के बाद उसका अगर वो सच में फाइंडिंग्स में इंक्वायरी कमिटी रिपोर्ट में उसका खिलाफ आता है तो डिसिप्लिनरी एक्शन जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है वो परस्यू किया जाना चाहिए. लेकिन अभी इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट को पब्लिक नहीं कर रहा है और स्टेट का आदमी को किसी को मालूम नहीं है व्हाट इज़ दियर इन रिपोर्ट. अगर रिपोर्ट में उसका अगेंस्ट में फाइंडिंग्स है, व्हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हैज़ नॉट बीन प्रोसीड अगेंस्ट हिम? और मोस्ट आप देखिए सबसे दुखजनक बात है कि वन ऑफ द IAS कैडर दिस GS मैना फॉर्मर सेक्रेटरी मेंबर ऑफ दिस APSS में, उसमें वो जो है बीच समय में ट्रांसफ़र हो जाता है दिल्ली. क्वेश्चनेबल है. दिस इंडिकेट्स उसको आराम से स्टेट गवर्नमेंट जो रिलीज करता है. व्हेन द मैटर इज इन इंक्वायरी में उसका खिलाफ भी फाइंडिंग हो सकता है ना, ये उसको ट्रांसफ़र जाने दिया है. ये क्वेश्चन है. अभी वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू स्टेट गवर्नमेंट.
अभी स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड इसको जवाब देना पड़ेगा, उसके बाद 28 डेज और तो आप काउंटिंग भूल ही गया सोच लो। सीएम सर ऑनेस्टली बोल रहे हैं आप काउंटिंग भूल गया ना क्या हो गया, वो हम तो पूछ रहे हैं शायद आप भूल गया होगा। तो डोंट अंडर एस्टिमेट आवर यूथ। हमारा ये यू सी द फ्रस्ट्रेशन लेवल ऑफ द यूथ्स इन द स्टेट इज इन पीक। यू सी द 2012 से लेकर आज तक APCS जो है 2 बार सिर्फ इंटर करने को मिला है इन द रेंज ऑफ 8 ईयर्स। 8-9 ईयर्स में 2 बार सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट करता है, आदमी का उम्र खत्म हो जाता है। सम पीपल आर सम यूथ्स आर अनएम्प्लॉयड टुडे नॉट बिकॉज दे डोंट डिजर्व टू बी इन गवर्नमेंट जॉब बट बिकॉज ऑफ दिस फेल सिस्टम। तो उम्र निकल गया, ही कुड हैव अटेम्प्ट मोर देन 4-5 times इन फॉर जॉब इंटरव्यू इन 8 ईयर्स, लेकिन कंडक्ट ही नहीं हुआ है, घोटाला चलते रहा है। अभी यूसी अभी देखिए आपका 2018 में जो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है APSS बोर्ड का, अभी ये हो गया 2019 गया 20 गया, मोर देन 3 ईयर्स जो लड़का जो है 30 ईयर्स था अभी 33 ईयर्स हो गया। अभी नेक्स्ट इंटरव्यू उसको देने मिलेगा कि नहीं वो भी पता नहीं है। तो ऐसा करके आदमी का उम्र जो है उसको आप जो है कोई खरीद नहीं सकता है। इवन यू हैव आपके पास करोड़ रुपया हो सकता है लेकिन आप अपना उम्र को खरीद नहीं सकता है। टाइम चला गया चला गया। तो मैनी पीपल मैनी यूथ्स आर अनएम्प्लॉयड टुडे नॉट बिकॉज दे डोंट डिजर्व टू बी इन जॉब बट बिकॉज ऑफ दिस फेल सिस्टम। ये सिस्टम फेलर का वजह से हमारा इतना लड़का लोग जो है विक्टिमाइज हुआ है। और आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन है स्टेट का कोई ब्यूरोक्रेट से जो भी होता है, देखिए इतना आप लोग भी एक समय ये हुआ करता था स्टूडेंट अनएम्प्लॉय यूथ हुआ करता था स्टूडेंट हुआ करता था। जस्ट कंपेयर इट, डोंट प्ले विद द लाइफ ऑफ दिस पीपल। फ्यूचर का साथ मत खेलिए आप दिन। इफ सिस्टम गोज लाइक दिस, अगर सिस्टम ऐसा चलता रहा तो दिन दूर नहीं है जब लड़का लोग जो है पट्टरबाजी से बंदूकबाज में पहुंचने के लिए। ऑनेस्टली बोल रहा है फ्रस्ट्रेशन लेवल ऑफ द यूथ ऑफ द स्टेट इज एट द पीक। और ये इंक्वायरी कमिटी रिपोर्ट को हम लोग ने बोला है यू मेड इट पब्लिक, 3 जून को भी बोला है मेड इट पब्लिक, उसके बाद इनिशिएट एक्शन जो भी लेना आप लीजिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है साइलेंस है। और उस दिन रिसेंटली वी हैव अ समिट अनदर मेमोरेंडम, उसमें फिर 14 डेज ये इंक्वायरी रिपोर्ट को फिर से पब्लिक करने के लिए हम लोग डिमांड किया है। इफ़ द सिस्टम गोज लाइक दिस देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। कल को ऐसा चलते रहेगा तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आएगा तो कौन जिम्मेदार रहेगा? है दिस हैंडफुल ऑफ करप्टेड ब्यूरोक्रेट जो लेगा ना स्टेट गवर्नमेंट जो लेगा। स्टेट गवर्नमेंट जो है आप जो गवर्नमेंट चला रहा है तो आपका सिस्टम को ठीक करने के लिए आपका पास पावर